नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लाबेश और आप देख रहे हैं गेम लॉजी। आज का हमारा वीडियो है क्लैश ऑफ क्लैश गेमिंग के ऊपर कि किस तरह आप डार्क एलिजर के थ्रू ऐसी कौन सी आर्मी बना सकते हैं जो आपको वॉर में 3 स्टार तो ला के दे और फार्मिंग भी अच्छी करवाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको वॉर का टेक दिखा देता हूँ जो मैंने किया था नंबर 5 पे। यह आर्मी है पेक्का गोबेट, जिसमें आपको एडी यानी इलेक्ट्रिक ड्रैगन के साथ फनर बना के पेक्का और बॉलर्स को कोर्ट तक लेके जाना होता है और बैटिंग शुरू करनी होती है। तो देखते हैं कैसे अटैक करना है। मैंने सबसे पहले मैंने 9 o'clock पे एडी को छोड़ा और 5 o'clock पर एक एडी को छोड़ा और फनर मस्त फनर बन जाने के बाद मैंने हीलर्स को इसलिए कोइन के ऊपर डाला ताकि वो पेका का परसुच ना हो, नहीं तो यहाँ पे एक सिंगल एंड पढ़ना भी ध्यान अपोनेंट सीसी के आते मैंने पॉइजन करा और वॉर्डन की एबिलिटी को बचा के रखा और किंग की एबिलिटी यूज करी, नहीं तो मेरा किंग को सिंगल एंड पढ़ना खा जाता। इस अटैक स्ट्रेटजी में आपको ध्यान रखना होता है कि ईगल आर्टिलरी और 2 विजार्ड टावर कम से कम आ जाने चाहिए। और मैंने ऊपर की तरफ से बैटिंग चालू कर दी और यहाँ पे एक विजार्ड की तरफ से एक फ्रीज स्पेल आएगा। और दूसरा भी इसी पे आ जाएगा और इस तरह यहाँ पे 3 स्टार हो गया बहुत इजी तरीके से। ये आर्मी आप वॉर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फार्मिंग के लिए भी। मेरे सीसी में एक पेक्का और 2 जाइंट्स है। आपको सीसी में एक फ्रीज और एक पॉइजन स्पेल ले लेना है। अब नेक्स्ट वीडियो पे स्विच करते हैं। ये मेरा सेकेंड अटैक वॉर का जिसमें मैंने होग आर्मी से अटैक किया है। मैंने अपने दोनों कॉलम से फनल बनाया पहले। इसमें भी आपको एक इन्फर्नो और एक ईगल आर्टिलरी और अपोनेंट के सीसी और अपोनेंट के हीरोज को टेक डाउन करना होता है अपने किलिंग स्कोर के साथ। फनल बनाने के बाद मैंने अपने सारे किलिंग स्कोर 4 में डाल दिया और अपने सीसी को निकलते ही पॉइजन कर दिया। ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी यूज कर ली ताकि मेरे कर ली। यहाँ पे मेरी क्वीन ने ईगल आर्टिलरी को निकाल लिया और मेरे सीसी के पेक्का ने किंग और क्वीन को ले लिया और मेरे हीरो ने किंग ने इन्फर्नो टावर को ले लिया। मेरे प्रिय लोग से होगिंग स्टार्ट कर दी। याद रहे आपको होग एक ही लाइन में नहीं छोड़ने हैं, 5-5 के ग्रुप में छोड़ने हैं। आप चाहे तो एक फ्रिज कम करके पॉइजन ले सकते हैं ताकि आप स्केलेटन ट्रैप्स का ध्यान रख सकें। फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं ताकि क्लीन अप जल्दी हो सके। तो देखा दोस्तों कितनी इजी आर्मी है ये, आप वीडियो समझ ही गए होंगे और आप इसे ट्राई कर सकते हैं।